हेलो स्टूडेंट्स बेटा, नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम नंबर 4 डिवाइजर फंक्शन। बेटा dn इज ए ओड नंबर इफ एंड ओनली इफ n इज ए परफेक्ट स्केल। बेटा ये प्रूव कर रहा हूं। फर्स्ट लेट, हमने क्या रखा, dn इज ए ओड नंबर, फॉर केस 1 n इक्वल टू 1, d 1 equal to 1 or 1 is a perfect scale, n is a 1 is a perfect scale. Case 2, if n greater than 1, let n equal to p1 the power alpha 1, p2 the power alpha 2, pr the power alpha, pi are different primes. So dn kya hoga beta iska? By theorem number 1, alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha r plus 1. dn kya ki bana beta? Odd number. Maine kya prove karna hai? Perfect square. So alpha 1 plus 1 odd ho gaya beta. Alpha 2 plus 1 bhi odd. And alpha r plus 1 bhi kya ho gaya? Odd. So alpha 1 kya hua mere paas? Even. Alpha 2 bhi kya hua? Even. अल्फा आर भी क्या हुआ मेरे पास, इवन। ओके, तो अल्फा वन की वैल्यू 2k1, अल्फा टू की वैल्यू 2k2 एंड अल्फा आर की वैल्यू 2kr। पुट इन दिस, n इक्वल टू पी वन दी पावर 2k1, पी टू दी पावर 2k2, पी आर दी पावर 2kr। तो पी वन दी पावर k1, पी टू दी पावर k2, पी आर दी पावर kr द होल स्केयर। क्या बन गया बेटा? परफेक्ट स्केयर। ओके, इसका कन्वर्सली लेट n इक्वल टू m स्केयर, परफेक्ट स्केयर ले लिया बेटा। n इज ग्रेटर देन 1, सो m इज ग्रेटर देन 1। m को क्या लिखा बेटा मैंने, क्योंकि m की एक ग्रेटर देन 1 q1 की पावर बीटा 1, q2 की पावर बीटा 2, qt की पावर बीटा 3। m इक्वल टू m square, क्या बना q1 दी पावर 2 बीटा 1, q2 दी पावर 2 बीटा 2, बेटा इसका स्केयर कर दिया मैंने, qt दी पावर 2 बीटा 3। ओके, देन dn क्या बनेगा बेटा, 2 बीटा 1 प्लस 1, 2 बीटा 2 प्लस 1, लास्ट 2 बीटा t प्लस 1। क्या बन गया बेटा? ओड इनटू ओड इनटू ओड, क्या बना बेटा? ओड। क्लियर है बेटा? इफ dn इज इवन नंबर देन n इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर। मीन यदि ओड नंबर है तो n क्या आएगा बेटा? परफेक्ट स्केयर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5, इसमें मैंने क्या प्रूव करना, इसमें क्या गिवन है बेटा? प्रूव दैट पाई d डिवाइड n इक्वल टू n dn बाय 2। इससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं बेटा। देखो बेटा, यदि d डिवाइजर n का है तो n by d भी डिवाइजर ऑफ n है बेटा, डिवाइजर ऑफ n। इफ d इज डिवाइजर ऑफ n देन n upon d इज आल्सो डिवाइजर ऑफ n। देखो बेटा, सिंपल है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा बेटा, ऐसे प्रूव भी कर देता हूं मैं। यदि d n का डिवाइजर है तो हम कैसे लिखेंगे ना बेटा, n इक्वल टू d d डैश, n अपॉन d क्या होगा बेटा? d डैश। ओके, देन इज आल्सो डिवाइजर ऑफ n। देखो बेटा, जैसे मैंने 12 लिखा, 3 डिवाइड 12, 12 का लिखेंगे 3 इंटू 4, तो 4 भी 12 को क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। देखो बेटा, 12 बाय 3 इक्वल टू 4, ये d है ये n है, तो यहाँ पे क्या होना, n upon d किसके इक्वल है? 4। 4 भी n को क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट है बेटा यहाँ पे, तो ये भी इसका क्या है बेटा? डिवाइजर है। ओके, तो ये थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ बेटा मैं। फर्स्ट n इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। तो पाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? 1। राइट हैंड साइड देखो, 1 दी पावर 1 बाय 2 1, तो रिजल्ट इज ट्रू। यदि n ग्रेटर देन 1 है, लेट मैंने d1 d2 dr क्या रखा? डिवाइजर ले लिया बेटा, d1 d2 dr डिवाइजर ऑफ
एन, तो डी एन की वैल्यू क्या होगी यार, क्योंकि व्हाट इज डी एन, नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है यहाँ पे यार, तो डी एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आर होगी। ओके देन बेटा प्रोडक्ट डी डी डिवाइड एन, डिवाइजर कौन कौन से है बेटा यहाँ पे, डी वन डी टू डी आर, मैंने ये भी कहा है ना बेटा आपको, इसके ये भी डिवाइजर हैं, तो एन अपॉन डी वन भी इसका डिवाइजर हुआ, इंटू एन अपॉन डी टू भी इसका डिवाइजर हुआ, एन अपॉन डी आर भी, तो यहाँ पे क्या होना है, एन दी पावर आर डी वन डी टू डी आर। ओके एन दी पावर आर डी वन डी टू डी आर प्रोडक्ट डी डी डिवाइड एन मल्टीप्लाई दिस साइड पाई डी डी डिवाइड एन द स्केयर इक्वल टू एन दी पावर आर पाई डी प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डी डी डिवाइड एन एन दी पावर आर दी एन दी एन दी पावर आर दी पावर वन बाई टू। वट इज आर, आर इज डी एन। ओके आर क्या है बेटा, डी एन। ओके जैसे रिजल्ट वेरीफाई करना है, मैंने एन की वैल्यू 12 ले ली, वेरीफाई ये करना हो रिजल्ट बेटा, उन्हें चेक करना भी ट्रू है बेटा, तो एन की वैल्यू पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेटा, अभी इसको इस रिजल्ट को वेरीफाई करो, टेक एन इक्वल टू 12, तो प्रोडक्ट डी डी डिवाइड 12 लेफ्ट हैंड साइड, कौन कौन से डिवाइजर है बेटा, 1 2 3 4 6 12। ओके ये आ गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा 1 7 2 8। ओके राइट हैंड साइड देखियो एन 12 डी 12 क्या होएगा बेटा, कितने डिवाइजर आए, 1 2 3 4 5 6 बाई 2 12 द पावर क्यूब 1 7 2 8। ओके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट में मैं इसके एग्जांपल स्टार्ट करूंगा बेटा, सो थैंक यू वेरी मच।